तो ये हो गए हैं मेरे थंबनेल डिज़ाइन, आज का भी हो गया है। आज भी था नहीं इसलिए सुबह सुबह किया, 8:23 9 बजे हमारे व्लॉग्स शेड्यूल रहते हैं। जल्दी से जाके करती हूँ ब्रेक। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे ब्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं जस्ट उठ के पूजा करके अभी ब्लॉग का थंबनेल डिज़ाइन कर रही थी, तो डिज़ाइन करना हो चुका है। और सुबह उठ के ही बाहर वेदर एकदम बारिश, और सुबह सुबह थोड़ा तूफान भी आया था। फिलहाल वेदर है ऐसा बहुत ही अच्छा। तो चलिए फिर इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आई होप हमारा ये व्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो ये हो गए हैं मेरे थंबनेल डिज़ाइन, आज का भी हो गया है। आज भी था नहीं इसलिए सुबह सुबह किया, 8:23 9 बजे हमारे व्लॉग्स शेड्यूल रहते हैं। जल्दी से जाके करती हूँ ब्रेकफास्ट, और कौस्तुब तो गया है वर्कआउट करने के लिए, तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। तो मेरा ब्रेकफास्ट बनाना हो चुका है, आपको दिखाती हूँ क्या बनाया है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, अभी जल्दी से खा लेते हैं फिर और डिज़ाइन करने बचे हुए हैं। अरे थंबनेल आज मैं डिज़ाइन करके रख दूँगी ताकि और कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और मम्मी का आ रहा है कॉल, मैं थोड़ा मम्मी से बात कर लेती हूँ फिर आप लोगों से ब्रेकफास्ट करके बात करती हूँ। सुबह सुबह ब्राउनी और कॉजी हो गए हैं पागल। ब्राउनी तो है ही पागल। तो गाइज अभी मैं आई हूँ मम्मी के घर पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा लैपटॉप भी था, तो अभी ऑफिस का काम भी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। तो आज सोच रही हूँ फिश करी बनाऊँ, बहुत ही राइस के साथ फिश खाने का मन कर रहा है इसमें बारिश के मौसम में। तो मैं जो फिश करी बनाती हूँ वो बहुत सिंपल है, वो जस्ट 10-15 मिनट में बन जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फिश के लिए आलू और टोमेटो काट के रखा है, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी चाहिए, वो भी काट लेती हूँ। तो पहले आलू को फ्राई कर लूँगी, ये जब हो जाएगा फिर करी बनाऊंगी। मिक्सर ऑयल में मैंने डाल दिया है टमाटर। तो आज बारिश में स्पेशल लंच रेडी है, भिंडी करेला आलू भुजिया राइस ऊपर घी दाल, और ये है रुई माछर झोल मैं बनाई हूँ, तो यही खाएंगे। कि देखो कैसा बनाया है मेरा फिश। अब मस्त, अभी तुम फिश खाए भी नहीं हो, अभी तुम दाल खाए हो। ब्राउनी को देख लो फिश लवर, बस वेटिंग के कब मुझे भी एक टुकड़ा फिश का मिल जाए। बट फ्राइड फिश इज नॉट फॉर यू ना।
এই এটা স্বাদ পেলে আবার সেদ্ধটা খেতে চাইবে। ও নাকি রুই মাছ খাবে না দিদি? এমনি জানে না, तो मेरा भी लंच हो चुका है कंप्लीट और बड़ी मम्मी बनाई है बेसन का हलवा, क्योंकि कौस्तव रोज आके डिमांड करता है कि उसको ये हलवा खाना है, वो हलवा खाना है, तो वो उसको मिल जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ दिख कैसे रहा है। तो ये है ड्राई फ्रूट्स के साथ बेसन का हलवा। मेरा तो स्टमक एकदम फुल है, मैं बाद में खाऊँगा। और कैसा लग रहा है खाने में? ओके ठीक है, तो आप लोगों से बात करेंगे फिर थोड़ी देर में। बारिश में इतनी नींद आती है ना, सो ऑफिस का काम कर रही थी और करते करते कब सो गई पता भी नहीं चला। कौस्तव भी ऐसे ही सो गया, तो अभी उठ के चाय बना रहे हैं। अराउंड 4:30 बज गए हैं, बहुत सोए, तो अभी चाय पियेंगे। चाय पी के बारिश में कहीं जा तो सकते नहीं हैं, तो चाय का ही मज़ा लेते हैं। What? Why are you here? तो ये बन गई है हमारी ब्लैक टी साथ में कुकीज। तो गाइज अभी हम लोग करने वाले हैं डिनर, और जो कल गणेश पूजा हो रहा था ना घर के पास, तो वहां से प्रसाद देके गए हैं, खिचड़ी और पुलाव और एक सब्जी आलू दम, तो वो बहुत टेस्टी। भोग है, भोग तो टेस्टी लगता है, भोग का कोई स्वाद नहीं होता, वो हमेशा ही अच्छा स्वाद करता है, तो उसको हम लोग जज नहीं कर सकते। स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, हमेशा जैसा आता है। तो मैं तो डिनर में भोगी करने वाली हूँ, और कौस्तव भी वही भोगी खाएगा, उसको तो खिचड़ी बहुत पसंद है, उसको तो बस मौका चाहिए खिचड़ी खाने का। ऊपर से आज बारिश भी हुआ है, तो आज तो खाने में और ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है, चलते हैं और डिनर करते हैं। मैं दिखाती हूँ क्या भोग आया है। खिचड़ी, खिचड़ी, आई नो, और ये आलू दम, और दिया है ये पुलाव, ये भी खा सकते हैं, देखते हैं। ये है मेरे बेबू, अंधेरे में नीनी नीनी नीनू 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 नीनू। तो ये है डिनर, आलू भुजिया, खिचड़ी और आलू दम। कैसा लग रहा है? प्रसाद तो अच्छा ही लगेगा। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर पे वापस, और आज तो कुछ खास ब्लॉग बनाए नहीं क्योंकि आज बारिश हो रहा था, बाहर कहीं गए नहीं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप हमारे ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और खूब सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय।